देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 50वां जन्म दिवस ऊना के बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने अटल को फूल अर्पित किए और उनके जीवन काल और उनके समय में किए गए अहम फैसले के बारे में भी आए हुए लोगों को जानकारी दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 50वां जन्म दिवस ऊना में हर ब्लॉक स्तर पर सुशासन के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। ऊना के बीजेपी मुख्यालय में बड़ी धूमधाम के साथ इस जन्म दिवस को सुशासन के रूप में मनाया गया, जिसमें जिले के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने अटल बिहारी की फोटो पर फूल अर्पित किया और इस मौके पर उन्होंने अटल के स्नेह में लिए गए हर फैसलों के बारे में लोगों को बताया। अटल पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी उनकी काफी तारीफ करते थे। उन्होंने अपने स्नेह में कारगिल युद्ध को जीता है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। आज पूरा देश उनके जन्मदिन को मना रहा है और देश में उनके योगदान को लेकर उनको हमेशा याद किया जाएगा। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 50वें जन्मदिन वर्ष पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। उनका ये जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक के अंदर मनाया जा रहा है और पार्टी का सभी कार्यकर्ता और पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पूरा देश की जनता उन्हें पसंद करती थी और इसीलिए सभी विपक्ष के लोग भी उनकी सराहना करते थे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। जो भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्णय लिया, आज कौन से दिवस को मनाया जा रहा है उनके जन्म दिवस को? आज सुशासन दिवस पर को मनाया जा रहा है उनके दिन जन्मदिन पर और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हें याद करती रहेगी। उनका जो योगदान इस देश के लिए रहा है वो सराहनीय है। चाहे उनके समय में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने परमाणु परीक्षण कर देश की शक्ति को बढ़ाया था, कारगिल युद्ध भी उन्होंने अपने समय में जीता, ऐसी बहुत सी योजनाएं उन्होंने देश को दी है। इसलिए वो सदा कार्यकर्ता और जनता के बीच में दिलों में राज करते हैं, बसते रहे हैं।